वाक्य भेद से जुड़े हुए आपके सारे भ्रम, आपके सारी दुविधाएं और आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले हैं। देख लीजिए, यह सिलसिला जो आपके सामने है, इस क्रमबद्धता के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। वाक्य विचार की परिभाषा, वाक्य के भाग, वाक्य के भेद, वाक्य के भेद रचना के आधार पर, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर, और उसके बाद वाक्य के तत्व। हम यह इस सिलसिले से हम आगे बढ़ेंगे, और मैं एक बार फिर से कह दूं हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए कि वाक्य भेद यह बड़ा बुनियादी एक चैप्टर है, एक भाग है जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इसके आधार पर बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। सबसे पहले देख लीजिए वाक्य विचार की परिभाषा, यह है कि दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक जो समूह है वह वाक्य कहलाता है। तो निश्चित रूप से यह आपका पूर्व ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जानते हैं दो या दो से अधिक जो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली क्रिया से युक्त पद समूह जो है वह वाक्य कहलाता है, हम उसे वाक्य कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, सुन लीजिएगा कि विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली क्रिया से युक्त जो पद समूह है वह वाक्य कहलाता है। पतंजलि जो बड़े विचारक और बड़े वैयाकरणकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। पूर्ण अर्थ की प्रतीति, पूर्ण अर्थ अर्थात जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वह अपने पूरे अर्थ के साथ आपके सामने आ रही है, प्रतीति उसको प्रस्तुत करने वाले, वर्णित करने वाले जो शब्द समूह है वही वाक्य कहलाते हैं, ऐसा पतंजलि जी कहते हैं। अतः कहा जाना यह चाहिए कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अपेक्षित अर्थ हो वाक्य कहलाता है। तो अपेक्षित अर्थात आपका भाव, आपका विचार, आपकी बात उस अपेक्षा के साथ सामने लाए, और सामने उस अपेक्षा से उसको ग्रहण करें। वाक्य में आगे बढ़ रहा हूं। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ जी कहते हैं कि वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा सक्ति युक्त है पदोच्चयः। एक बार फिर से पढ़ता हूं और आप लोग भी इसे एक बार पढ़िएगा। वाक्यम स्यात् योग्यता कांक्षा सक्ति युक्त है पदोच्चयः, अर्थात वाक्य ऐसे पद समूह का नाम है जिसमें योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति ये तीनों विद्यमान हो। ये तीनों क्या हैं, वाक्य की दृष्टि से इनके क्या अर्थ हैं, किस अपेक्षा से, किस भाव से साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ जी ने यह प्रस्तुत किया है, यह लिखा है, यह एक बार समझ लीजिए। आकांक्षा का अर्थ है कि शब्द यों अर्थात इस प्रकार रखे हुए ना हो कि वे मिलकर किसी एक तात्पर्य का बोध कराते हो। आकांक्षा योग्यता का तात्पर्य है कि पदों के समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या असंभव ना हो, अर्थात संगत हो और संभव हो। आसक्ति या सन्निधि का मतलब या सामीप्य का मतलब है कि तात्पर्य बोध कराने वाले पदों के बीच देश काल का व्यवधान ना हो, अर्थात एक ऐसा वाक्य जो किसी भी जगह बोला जाए तो उसका वही अर्थ निकले, उसका वही भाव हो, तो इसमें व्यवधान ना हो। एक बात, इसका दूसरा अर्थ यह समझ लीजिए कि समीप्य निकटता, अर्थात कोई भाव है, कोई वाक्य है तो पदों के बीच यह व्यवधान दूरी का ना हो, सामीप्य हो अर्थ के नजरिए से, व्यवहार के दृष्टि से, नजरिए से, उसके भाव के दृष्टि से। तो यह आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में यह परिभाषा प्रस्तुत की। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य होता है वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए,
किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए तो वह उद्देश्य है। राहुल द्रविड़ शानदार बल्लेबाज है। यहाँ पर उद्देश्य कौन है? यहाँ पर राहुल द्रविड़ उद्देश्य, क्योंकि इनके बारे में बात की जा रही है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। राहुल द्रविड़ शानदार बल्लेबाज है, वही उदाहरण लेकर मैं आया हूं, उसका कारण देख लीजिए। इस वाक्य में शानदार बल्लेबाज है विधेय है, क्यों? क्योंकि उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है, और उद्देश्य कौन है? राहुल द्रविड़ है। तो राहुल द्रविड़ के बारे में जो कहा जा रहा है वह विधेय है, क्योंकि राहुल द्रविड़ के विषय में यह बात की जा रही है। कोई भी संदेह, कोई भी भ्रम की अवस्था यहां नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक ही उदाहरण के माध्यम से दोनों बात कही है। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है, और विधेय कि उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जा रहा है, यह देख लीजिए। उद्देश्य और विधेय यह वाक्य के दो भाग, यह एक तथ्य है। मस्तिष्क में रखिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। विधेय के भाग, विधेय के 6 भाग होते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे भी अपने मस्तिष्क में रखिए। वापस जा रहा हूं उस स्लाइड पर। दो भेद वाक्य के, विधेय के 6 भाग और विधेय के 2 प्रकार, ये दो दो 6 क्या है समझ के रखिएगा। इसके आगे लिख सकता हूँ, लेकिन ये काम आपके लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपकी जिज्ञासा, आपकी पुनरावृत्ति और आप वापस यहाँ लौटेंगे, छोड़ दिया जाना चाहिए। जब छूट जाता है तो बच्चा वापस जाता है, कोई भी वापस जाता है। विधेय के भाग 6 होते हैं, क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक और पूरक के विशेषण। विधेय के 6 मस्तिष्क में रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ देता हूं। क्रिया, क्रिया के विशेषण, कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म से संबंधित शब्द, पूरक, पूरक के विशेषण, यह है विधेय के 6 भाग होते हैं। और विधेय के जो प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, साधारण विधेय और जटिल विधेय, यह समझ लीजिए। और अब वाक्य के भेद रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब अगर मैं यहां लिखूं कि 2, 6, 2 और 3, तो वाक्य के भेद, विधेय के क्या, विधेय के प्रकार, विधेय के, बताएं बताएं बताएं, विधेय का क्या और 3 क्या, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। यहां भी छोड़ दिया मैंने एक आपके लिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखिएगा। साधारण या सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, यह सब आपके विद्यालयीन पाठ्यक्रम का हिस्सा है, इसलिए आपको समझने में बेहद आसानी होगी। सरल वाक्य या साधारण वाक्य, इसका मायने यह हुआ कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। श्याम पढ़ता है, एक उद्देश्य और एक विधेय, श्याम उद्देश्य है, विधेय पढ़ता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक मुख्य या एक प्रधान वाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक मुख्य या प्रधान वाक्य, उसके बाद अन्य आश्रित भाग, इसमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती है। समापिका क्रियाएं अर्थात साथ में चलने वाली सहायक क्रियाएं होती हैं, जैसे जो परिश्रम करता है वह अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, जो परिश्रम करता है वह अवश्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अब यहाँ पर एक विधेय और एक उद्देश्य के अलावा भी समापिका क्रियाएं हैं, साथ में सहायक क्रियाएं चलने वाली, यह मिश्रित वाक्य। में आगे बढ़ रहा हूं। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होंगे। अभी समुच्चय बोधक अवयव क्या होते हैं यह भी समझेंगे। बहरहाल, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और सरलता, अगला पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों फिर भी लेकिन पर तो नहीं तो किंतु परंतु और एवं तथा या अथवा इसलिए अतः आदि, यह सब समुच्चय बोधक अव्यय है और योजक से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। एक उदाहरण देख लीजिए, रोहित जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर वह इस तरह खेलता रहा तो भारत यह मैच जल्दी जीत
जाएगा, लेकिन विपक्षी टीम भी कुछ कर सकती है। अब देख लीजिए, और अगर कि लेकिन ये ऐसे योजक चिन्ह है, ये योजक शब्द हैं, योजक समुच्चय बोधक अव्यय हैं, जो इस वाक्य को संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। कोई भी भ्रम की अवस्था स्थिति नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। संयुक्त वाक्य के चार प्रकार होते हैं, दो, छह, दो, तीन और चार। क्या है यह, मस्तिष्क में रखिएगा। दो, छह, दो, तीन, चार, संयुक्त वाक्य के चार प्रकार। संयोजक संयुक्त वाक्य, विभाजक संयुक्त वाक्य, विरोध सूचक संयुक्त वाक्य और परिणाम वाचक संयुक्त वाक्य। यह चार प्रकार संयुक्त वाक्य के ध्यान में रखिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं। वाक्य के भेद के आधार, वाक्य के भेद शब्द के अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आठ। दो, छह, दो, तीन, चार, आठ। एक बार फिर से मैं टैली कर लेता हूँ, कोई अंक तो नहीं छूट रहा है? बिल्कुल नहीं छूट रहा है, बिल्कुल सही है। दो, छह, दो, तीन, चार, आठ, क्या है, क्या है यह, समझिएगा। यह वाक्य के भेद समझने के लिए आपके लिए बड़ा आसान होगा। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्न वाक्य, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादि बोधक, विधानवाचक, इच्छावाचक। यह आठ प्रकार के जो अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार होते हैं, परिभाषा एक बार देख लेते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, देख लीजिए। जिन वाक्यों में सरलता पूर्वक कोई बात कही जाए, सरल वाक्य, आज सोमवार है, सरल वाक्य, साधारण वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेधात्मकता का बोध ना हो, नहीं हो, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। वह नहीं आएगा, ना, नहीं, थोड़ी, थोड़े, थोड़ी ही, थोड़े ही, तो थोड़ी आएगा, थोड़ी, ना, नहीं, ये ऐसे भाव जो होते हैं निषेधात्मक वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, सरलता पूर्वक जिन वाक्यों का अस्तित्व होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध हो या भाव प्रस्तुत हो, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। क्या आप उन्हें जानते हैं? यह प्रश्न जो है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह प्रश्नवाचक में, यह जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कई बार इस चिन्ह को लगाने और नहीं लगाने के अंक प्राप्त होते हैं। नहीं लगाने के जब प्रश्नवाचक ना हो, और जब हो तो लगाने के ध्यान रखें। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों से आज्ञा का बोध हो, आज्ञा का भाव जिसमें हो, समय पर कार्य पूर्ण करो, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके गुरु, आपके भाई, आपसे बड़े, आपके अपने, आपसे, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आपके शुभ चिंतक, आपसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो आज्ञा का बोध जहां हो, आगे बढ़ रहा हूं। संकेतवाचक वाक्य, जहां पर ऐसे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। देखिए, बहुत गौर से समझिए, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। संकेतवाचक, यदि चलते रहे तो मंजिल तक जरूर पहुंचोगे, यदि चलते रहे तो एक वाक्य की क्रिया का होना ही दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा, यह संकेतवाचक। यदि परिश्रम करोगे तो ही मेहनत, तो ही कामयाब हो पाओगे, पसीना बहाओगे तो ही खुशबू आएगी। तो पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर। अगर आज अच्छा खेले तो मैच जीत जाएंगे, अगर आज अच्छी पढ़ाई की तो समझ में आएगा, नया ज्ञान प्राप्त। विस्मयादि बोधक, जिन वाक्यों में आश्चर्य, आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव हो, शाबाश, तुमने अद्भुत कौशल दिखाया, क्या वह अभी आ रहे हैं? आश्चर्य, जहां पर आप विस्मित हो जाएं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। और विधानवाचक वाक्य, वाक्य का ऐसा प्रकार जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, क्रिया के करने या होने की सूचना, वह जा रहा है। यहाँ एक सूचना क्या है, एक क्रिया के होने की सूचना की वह जा रहा है। इच्छावाचक, जिन वाक्यों से इच्छा, शुभकामना, सद्भावना प्रस्तुत हो, तुम अवश्य जीतोगे, आपकी शुभकामना यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है, आपकी सद्भावना यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। तो विधानवाचक, क्रिया करने या क्रिया होने की सूचना मिले,
इच्छावाचक, जिससे कि आपकी शुभकामनाएं, आपकी सद्भावना, आपकी इच्छा प्रस्तुत हो, उसका भाव, उसका बोध सामने आए, इच्छावाचक। ये 8 प्रकार की वाक्य की परिभाषा है, हमने देखी, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और वही सिलसिला जो अपने अंतिम पड़ाव पर है वह यह है कि वाक्य के तत्व 6। अब उस सिलसिले में 6 और जोड़ दीजिएगा आप, जिस सिलसिले को मैंने लिखा है, ठीक है जी। सिलसिला यह है, दो दो के बाद 6, दो, तीन, चार, आठ, 6। मेरा दावा है कि यह आपके लिए, आपकी स्मृति के लिए बेहद कारगर सिद्ध होने वाला है। मस्तिष्क में रखिएगा, वाक्य के 6 तत्व होते हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, क्रम, अन्वय। देख लीजिए एक बार इनकी कुछ स्वाभाविक परिभाषाएं। सार्थकता वाक्य का प्रमुख गुण है, अर्थात वाक्य अगर सार्थक नहीं होगा तो वह व्याकरण में आ ही नहीं सकता, भाषा में या व्यवहार में आ ही नहीं सकता। इसलिए वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो तभी वाक्य भावाभिव्यक्ति के लिए सक्षम होता है। योग्यता वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ, भाषानुकूल मतलब आपका वाक्य जो जिसमें जिसमें सार्थक शब्द हो उनमें एक निश्चित क्रमबद्धता तो हो, साथ साथ उसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। प्रसंग के अनुसार वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए, इसके अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अगर आपका भाव इस योग्य ही नहीं है कि वह आपकी बात सामने ला सकता है तो निश्चित रूप से वह व्यर्थ हो जाएगा। तो यह योग्यता बड़ी आवश्यक है भाव वाक्य की। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छा, एक पद को सुनने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा ही आकांक्षा है। यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है तो वह अधूरा वाक्य माना जाता है, क्योंकि इसके पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। अगर आपने एक वाक्य के एक पद को सुना और अगर बाकी वाले पद को सुनने की इच्छा समाप्त हो जाती है तो इसका मतलब है कि वह अधूरा रहेगा। तो यह आकांक्षा जो है यह बड़ी बुनियादी विशेषता है उसकी, समझिएगा। निकटता, बोलते या लिखते समय वाक्य के शब्दों में परस्पर निकटता का होना बहुत आवश्यक है। रुक रुक कर बोले, रुक रुक कर लिखे गए वाक्य वाक्य नहीं बनाते, अतः वाक्य के लिए निरंतर पद, निरंतर प्रवाह के साथ पास पास बोलियां लिखी जानी चाहिए। अर्थात एक उदाहरण देख लीजिए, राम, अब आपने लिखा ही नहीं, जा रहा, फिर आपने कहा यह नहीं होना चाहिए, यह अंतराल नहीं होना चाहिए, यही निकटता अनिवार्य है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्रम, क्रम का अर्थ है पदक्रम, शब्द, सार्थक शब्दों को भाषा में नियमों के अनुरूप क्रम में रखना चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल क्रम के अभाव में अनर्थ हो जाता है। देखिए, नाव नदी में है, अब नदी नाव में है, नाम नदी में है, नाव में नदी है, कंफ्यूज भ्रमित नहीं होइए, तीनों वाक्यों को आप समझिए। नाव में नदी है, नदी में नाव है, लेकिन सिर्फ क्रमबद्धता ने इस वाक्य को अशुद्ध कर दिया, क्रम के अभाव ने। तो यह क्रम का अभाव, यह पदक्रम का अभाव नहीं होना चाहिए। एक निश्चित सार्थक व्याकरणोचित क्रम किसी भी वाक्य को सार्थकता प्रदान करता है, मस्तिष्क में रखिएगा। अन्वय का अर्थ होता है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, वचन, पुरुष आदि कारण के कारण एक सामंजस्य होना चाहिए। आपकी आपके वाक्य में लिंग, वचन, कारक इत्यादि जो व्याकरण के तत्व हैं उनके अनुसार जो एक सामंजस्य होता है, यह ही अन्वय है, और इसके अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अन्वय भी वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है। एक उदाहरण देख लीजिए कि एक उदाहरण देख लीजिए कि सपना गा रहा है। जब आपको पता है कि लिंग की दृष्टि से यहां पर रही होना चाहिए, और अगर आपने यह नहीं किया तो यह अशुद्ध हो जाएगा और आपका वाक्य है वह अपना अर्थ खो देगा। तो यह इन क्रमों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अब वह सिलसिला आपके सामने है जिससे हम यहां तक पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि वाक्य के भेदों के साथ साथ जो मैंने आपको
वाक्य के भाग और उनके भेद और रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाक्य के तत्व बताए, यह आपके लिए उस समझ को जरूर स्पष्ट करेगा जो वाक्य भेद से जुड़ी हुई है, और यह उस कसौटी को भी आपके सामने लाएगा जिस कसौटी के आधार पर आपका मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाना चाहिए या सुनिश्चित किया जाता है। बहरहाल, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा यह कहते हुए कि आप सब अपना बहुत ध्यान रखें।